आप मेरे चैनल पे इस साड़ी की वीडियो भी जाके देख सकते हो, इसका भी मैंने रिव्यू दे रखा है। तो ये साड़ी मैंने इसीलिए मंगवाई, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है वेलवेट की, सिर्फ इसका ब्लाउज था जो थोड़ा सा उसका जो कपड़े का स्टफ था वो मुझे अच्छा नहीं मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुलबुल डैशिंग फैशन। अगेन आज एक और न्यू वीडियो जो मैं लेके आई हूँ साड़ी पेज, मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक साड़ी का। तो चलिए मैं आपको खोल के बता देती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी है जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। ये रही वो साड़ी, साड़ी है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है साड़ी। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्डन और रेड कलर का इसका कलर है, गोल्डन और रेड कलर का कंट्रास्ट बना के दे रखा है साड़ी का, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो है इसका है बॉर्डर जो नीचे आ जाएगा आपके, तो ये बाकी आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ ये जो साड़ी। तो ये जो साड़ी है आपको मिल जाएगी 5.5 मीटर जी, साड़ी आपको मिल जाएगी। तो साड़ी के 5.5 मीटर में ही है इसका ब्लाउज़ दे रखा है उन्होंने, इस तरह का गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है साड़ी में। आप इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुला डुला सा ब्लाउज़ है जो बना सकते हो, 0.5 मीटर के करीब इन्होंने ब्लाउज़ का कपड़ा जो है दे रखा है। इसके ब्लाउज़ के नीचे जो अस्तर है वो नहीं मिला है, अकेला ही साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ जो है मुझे परचेज़ हुआ है मीशो से। तो ये रहा इसका बॉर्डर जो आपके नीचे आने वाला है। तो ये पूरी साड़ी है जो पूरी ही चेक में है, ये साड़ी चेक का डिज़ाइन है, गोल्डन और रेड कलर की चेक में ये साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है साड़ी का। अगर हम साड़ी का मैं आपको पल्लू दिखा देती हूँ, ये रहा साड़ी का पल्लू, साड़ी का जो पल्लू है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर पल्लू है साड़ी का। इस तरह का कुछ साड़ी के पल्लू में है जो डिज़ाइन दे रखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। साड़ी का जो स्टफ़ है सॉफ्ट कॉटन लिखा हुआ था नीचे, पर थोड़ा सा ना इसमें चंदेरी सिल्क का थोड़ा सा टच आ जाता है कपड़े में, का स्टफ है जो थोड़ा सा चंदेरी सिल्क में आ जाता है, इसीलिए शाइनिंग में आ जाती है साड़ी। पूरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, ये पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस साड़ी को आप जरूर वेयर करना। तो इसका जो कलर है आप देख ही सकते हो कितना खिलके आ रहा है मुझ पर। तो ये जो साड़ी है इसका जो कोड है वो मैं आपको वीडियो के नीचे दे ही दूंगी। तो इसका प्राइस है जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है इसका, इस साड़ी का जो प्राइस है 330 की ये साड़ी है। तो इतना अफोर्डेबल रेंज में इतनी अच्छी साड़ी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो साड़ी का आप देख सकते हो साड़ी के बीच में जो है थोड़ी सी ना शाइनिंग लुक आ रही है साड़ी में, थोड़ी जो साड़ी है शाइनिंग दे रही है इस साड़ी में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर और बहुत ही ज़्यादा और कलर थे। स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, अगर आपको कोई भी पसंद हो तो आप जाके परचेज कर सकते हो। तो ये जो साड़ी है एक तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, दूसरी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है, ये बिल्कुल भी हैवी साड़ी नहीं है। इसके नीचे अगर आप बॉर्डर में फॉल लगा लेते हैं तो फॉल के साथ और भी ज़्यादा सुंदर लुक आएगा इस साड़ी का। अगर कोई हैवी साड़ी नहीं पहन सकता है तो वो इस साड़ी को लेकर ज़रूर पहने, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है ये। तो इसको आप एक दो बार वेयर करके बाकी आप इसकी कोई ड्रेस बना सकते हो, कोई सूट्स बना सकते हो, जैसे कि कोई ड्रेस अच्छी सी बना सकते हो इसको एक दो बार यूज़ करके इस साड़ी को। तो इस साड़ी पे जो है बहुत ही सुंदर तरीके से चेक चेक का डिज़ाइन दे रखा है। तो ये जो साड़ी है ये आप कहीं भी पहन सकते हो, जैसे कि आप वर्किंग वूमन हैं तो वो भी इस साड़ी को वेयर कर सकते हो, जैसे कि कोई टीचर है, जैसे कि कोई ऑफिस जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है, वो भी इस साड़ी को वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और वेडिंग में ये साड़ी तो पहनी ही जाएगी क्योंकि इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, गोल्डन और रेड कलर का जो टच दे रखा है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो साड़ी है बहुत ही कम प्राइस में मैंने जो मंगवाई है वो मैंने इसीलिए मंगवाई है क्योंकि ये एक और साड़ी जो है वेलवेट की मैंने मीशो से मंगवाई थी, वो जो साड़ी है आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देती हूँ। ये है वो साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज करी थी, वेलवेट की वाइन कलर की साड़ी है, इसका न्यू ट्रेंड आया था साड़ी का। साड़ी इसकी तो बहुत ही ज़्यादा गुड वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर इसका जो ब्लाउज का कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा मुझे घटिया परचेज हुआ था। आप मेरे चैनल पे इस साड़ी की वीडियो भी जाके देख सकते हो, इसका भी मैंने रिव्यू दे रखा है। तो ये साड़ी मैंने इसीलिए मंगवाई है, 300 की जो साड़ी है, 330 की जो साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज है साड़ी है, इस साड़ी पर कोई भी कमी नहीं है, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है वेलवेट की, सिर्फ इसका ब्लाउज था
थोड़ा सा उसका जो कपड़े का स्टफ था वो मुझे अच्छा नहीं मिला। ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज का कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है और साड़ी का स्टफ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है, लाइट वेट साड़ी है। तो अगर इसके साथ अगर आप गोल्डन ब्लाउज नहीं पहनना चाह रहे हो, वैसे तो अगर गोल्डन पहनोगे तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा टच देगा, अगर आप नहीं पहनना चाह रहे हो तो इसके साथ आप रेड कलर का अलग से कपड़ा लेके ब्लाउज बहुत ही सुंदर ब्लाउज बना सकते हो, डीप नेक हो, स्लीवलेस हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फिलहाल तो मेरे पास इसका ब्लाउज नहीं है स्टिच करा हुआ, वरना मैं आपको इसको वेयर करके बता देती हूँ। यहाँ पे मॉडल ने पहना हुआ है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, पिक्चर्स लगा दूंगी, आप देख सकते हो कि इसका किस तरह का लुक आएगा। मॉडल ने जो पहना हुआ है उससे भी ज्यादा रियल में ये अच्छी लग रही है ये साड़ी। वेडिंग का सीजन आ रहा है आगे, तो आप किसी भी वेडिंग में जाके इस साड़ी को वेयर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगी आप। ये साड़ी है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, न्यू ब्राइड है जो, उनके लिए तो बहुत ही ये साड़ी बेस्ट है, उनके लिए अगर जिनकी नई नई शादी हुई है वो साड़ी इस साड़ी को वेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ओवरऑल साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक साड़ी है। तो इसको आप एक दो बार पहनोगे तो इस आपके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे, आपके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे। तो 300 का तो कुछ भी नहीं आता आजकल, आपको पता ही होगा। तो 300 में ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है। अगर आपको परचेस करना हो तो मैं कोड नीचे दे दूँगी, आप डेफिनेटली जाके इसे परचेस कर सकते हो इस साड़ी को। तो बाकी अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो ये जो साड़ी है, जो जो चीज़ों का मैं रिव्यू देती हूँ ये मैं खुद से परचेज़ करती हूँ, मिशू मुझे प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं खुद से लेकर आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है वो मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।